गाइस स्किबिडी टॉयलेट अब अपने आप में एक मल्टीवर्स बन चुका है। इतने सारे नए नए कैरेक्टर्स ऐड हो चुके हैं उसके अंदर, लाइक अपना ही एक अलग सैगा बन रहा है भाई वो। एंड तुम लोगों का कहना है कि इतने सारी स्किबिडी टॉयलेट की वीडियोस देखने के बाद भी मुझे अच्छे से स्टोरी लाइन नहीं समझ में आई है। कुछ भी बोल रहे हो भाई तुम यार, ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट, अब इसमें और क्या ज्यादा समझने को, ठीक है? तो यस, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ आ चुका हूँ आज समझने पूरी स्टोरी की एक समरी, यानी कि मेरे पास पूरे एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 41 आ गया है अभी तक, उन सब की एक स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो हम साथ में बैठ के देखेंगे। एंड अब बोलना तुम मेरे को कुछ नहीं समझ में आया तो, यानी तो मैं सच बता रहा हूँ, तुम में से सिर्फ 5 या 6% लोग होंगे जिन्हें ये स्टोरी लाइन अच्छे से समझ में भी आ रही है। मुझे तो चलो फिर भी कैरेक्टर के नाम तो याद हो रहे थे, वो आज पता चलेगा कितना याद है। तो यस एवरीवन, आज हम देखेंगे स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्किबिडी टॉयलेट सीरीज। या लेट्स गो, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। भाई तुम्हारी बेइज्जती मारूंगा मैं, अब तुम मेरी बेइज्जती मारते रहते हो। कमेंट स्किबिडी स्किबिडी स्किबिडी, इसी बात पे यस कमेंट में भर जाना चाहिए स्किबिडी। लेट्स गो, लेट्स जस्ट गो भाई। ऑलराइट, हियर वी गो। Skibidi Toilet, right sequence and hidden meaning. Episode 1 to 31. ऑलराइट ओके, तो एपिसोड एक्चुअली एक सीक्वेंस में नहीं है और ये हमें बताएगा एक राइट सीक्वेंस और हमें साथ में स्टोरी भी एक्सप्लेन करेगा। लेट्स गो चैम। ओके, इट ऑल स्टार्ट्स इन द क्लब वेयर एवरीवन हर्ड द न्यू वायरस। व्हाट, एक सेकंड, यहाँ से स्टार्ट हुए ये? ये तो बहुत आगे जाके एपिसोड ही है। ओके, तो एक क्लब में स्टार्ट हुआ है सब कुछ, जहाँ पे एक पहली बार एक वायरल हिट सुनने को मिला जो कि है ये स्किबिडी डॉप 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 गाना, और हमें उस एपिसोड में लोग एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं। दिस इज समथिंग न्यू भाई, ठीक है। गो इनटू द टॉयलेट, आवर हीरो हियर्स दिस सॉन्ग बिकॉज़ ही एसोसिएट्स इट विद द टॉयलेट। आवर हीरो क्लियरली डज नॉट लाइक द न्यू। ओह डैम, ओके, सो आर वी द हीरो, मतलब जो ये पर्सपेक्टिव दिखा रहा है, क्योंकि हमें भी बहुत बार लाइक स्किबिडी टॉयलेट ने मारने का ट्राई किया है। सो आर वी द हीरो, इज देयर समथिंग आई एम मिसिंग? आई डोंट थिंक सो ब्रो। ओके, तो हीरो को हर जगह वो वायरल हिट सुनने को मिलने लग गया। इवन एट वर्क एंटरिंग द एलिवेटर कॉलीग्स हैव ऑलरेडी बिकम इन्फेक्टेड विद द न्यू हिट। ओके, सो दीस आर द कॉलीग्स। पहली बात तो मेरे को ये बताओ, ये यूरिन टॉयलेट क्यों है तुम्हारे एलिवेटर में? तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग दीज आर द इन्फेक्टेड कॉलीग्स जो उस वायरल सॉन्ग से इन्फेक्ट हो गए हैं एंड ये टॉयलेट में से निकल रहे हैं अपेरेंटली। Who is you? Our hero cannot even calmly dine in a restaurant. It spreads really like a virus. So yes. One can observe that instead of chairs, people have toilets. Oh damn! But since it is a restaurant, one must behave appropriately. However, as soon as the toilet is empty, Oh bro, what? So third person, who actually hero is? इस सीरीज का, वो एक रेस्टोरेंट में आराम से शांति से खाना खा रहा था एंड तुम देख सकते हो रेस्टोरेंट में सीट की जगह सारी जगह टॉयलेट सीट्स हैं। एंड अब जब ये बॉस टॉयलेट आता है तो सारे के सारे टॉयलेट अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाते हैं। तुम देख सकते हो किस तरह आंखें खुली हुई है इसकी। शांति, ये बैठ जा, घूर रहा है मेरे को। As they see their like-minded companions have entered. Okay. Here we see that a simple musical hit through the ropes into something more. So yep. We understand that this is not about music, but about information. And the more it is, the more serious. What? It's not about music, it's about information. So basically, उस trendy गाने ने एक बहुत ही बुरा मोड ले लिया, I guess सबको infected कर दिया. It was like a virus something. I really want to know इनमें cameraman का क्या enrollment है. Okay, and here comes the cameraman. He is like justice. Okay. अभी नाम लिया मैंने cameraman का. He handles wrong rumors with ease since he's like a camera. Oh damn. He has evidence. He's got it all written down. Okay. So cameraman came to help. It's like एक search operation करेगा cameraman. उसके पास कुछ information वगैरह है कुछ तो. Okay, तो इस पूरी series में बहुत सारे perspective देखने को मिलेंगे हमें. जैसे starting में हमें hero का perspective देखने को मिला था और अब हम cameraman बन के आए हैं actually. Not हम, इसमें cameraman का perspective दिख रहा है. बहुत confusing है. Okay, let's see भाई. अभी तो start हुआ है. रुको रुको रुको. रुको थोड़ा शांत. Camera. He has evidence. He's got it all written down. Okay, तो cameraman के पास कुछ evidences है. वो नाच क्यों रहा है? ओके, पुलिस वाले के पीछे पड़ेगा। ओह, इसके पास इनफॉरमेशन। ओह डैम, इसके पास एविडेंस है तो इसको पुलिस वाले पकड़ तो नहीं रहे लाइक। ओके भाई कैमरामैन, तू भाग कैमरामैन। ओके, यहां पे क्या हो रहा है? द पुलिस कांट हैंडल द राइट इनफॉरमेशन, द गवर्नमेंट स्टेप्स इन। इज दिस द गवर्नमेंट? ओके, तो उसके पास कुछ तो ऐसी एविडेंस है जो उसके पास नहीं होनी चाहिए। द इनफॉरमेशन
is already deep in the brain. Huh? People no longer understand where the truth is in revelation, and will fully believe in the information that was presented from the very beginning. Okay, अब लोग अपना माइंड खो चुके हैं भाई. उनको मानना ही नहीं है कि सच सच है. वो बेसिकली झूठ को सच मान रहे हैं. Okay, भाई, these are infected people. Let's go. Toilet are infected people. हमें पता चल गया. Okay, military जा रही है पूरी. They will do their best to spread the crap that comes out of their toilet heads, even ready to war. Oh damn, तो ये लड़ाई करने के लिए भी ready हैं. यहाँ पे देखो ना भाई किस तरह मुंह से क्या ये डकार मार रहे हैं टॉयलेटों की. And the real war between truth and lies really begins. Oh, okay. So basically, it's a war between truth and lie. Damn, भाई. एक evidence, एक सच के चक्कर में इतनी लड़ाई हो जा रही है. देख रहे हो तुम? आज के ज़माने में कौन लड़ता है सच के लिए? हाँ, मैं क्यों भड़क रहा हूँ? भाई, this is crazy. Records everything in a person in the form of a toilet head. Damn, मार दिया. The larger the head, the greater the power. The larger the head, the greater the power. Okay, ये याद रखना. Got it. Skibidi. People sacrifice themselves because someone's ideals were imposed on them from the they very beginning. They sacrifice themselves? Just like no other war in the world. What? People sacrifice themselves because someone's ideals were imposed on them from the very beginning. Just like now the war in the world. Okay. तो लोग अपने idols जो कि उनके हैं भी नहीं उनके लिए खुद को sacrifice कर रहे हैं. That is crazy. Get the niche. अब तू कहाँ? Spear. Our hero is trying to cope, but there are too many NPC zombies without their opinion. Oh damn. Cope, but there are too many NPS zombies. NPS? I thought NPC. Sorry, my bad. क्या कुछ भी बोलता रहता है. Without okay. their opinion. भाई still fighting. अरे भाई. Skibbery. Okay. तो basically, are the toilets trying to what? Impose their opinions on cameraman की नहीं यही सच है जो वो controlled हो चुके हैं भाई. This is crazy. मैं कुछ ज़्यादा deep down जा रहा हूँ. I'm sorry. But मेरे को मज़ा आ रहा है. I really love these kind of things. And here comes the speaker head to the rescue. These speaker are head? People who are ready to tell the truth. Oh. They don't care. Oh yup. So the speaker speaks. Speaker बजता है. बस तुम्हें उसे कनेक्ट करने की देरी है. वो कुछ नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो बजेगा. तो द स्पीकर्स आर रेडी टू टेल द ट्रूथ चाहे कुछ भी हो जाए. तो इसका मतलब स्पीकर बोलेगा ही बोलेगा एट द एंड. ओके, नाइस मेटाफर भाई. लेट्स गो. दिस इज क्रेजी. प्रोबब्ली अंडरस्टूड दैट द सॉन्ग टियर्स फॉर फियर्स एवरीबॉडी वांट्स टू रूल द वर्ल्ड इज हियर फॉर अ रीजन इफ यू नो द वर्ड्स. इज दिस दैट सॉन्ग? क्या इस सॉन्ग का नाम था? आई डोंट नो. ओके, सो अ फायर एमी kill your own for the sake of keeping our what? Toilet throwing. Oh no! तो toilets इतने पागल हो चुके हैं कि वो अपने throne toilet throne के लिए मतलब toilet की गद्दी के लिए अपने लोगों को ही मार देंगे. भाई that is bad. ओए ऐसे मत करो. मार दूँगा तुम्हें मैं. भाई ये तो को मारता हुआ आ रहा है. Loud truth big win. Okay यहाँ पे अब speaker आएगा action में I guess. हेडफोन लगा रखे इन्होंने. कुछ तो मतलब होगा. ओके, ओ डैम भाई. सो दीज आर नॉट हेडफोन्स. वो एक्चुअली एक नॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन आते हैं. उनके अंदर गाने नहीं बजते, बस नॉइज सप्रेस हो जाती है. एंड गेस व्हाट, टॉयलेट्स आर द वन जिनको ट्रुथ समझना जरूरी है. तो जो कैमरा और जो भी स्पीकर वाले हैं वो अपने कान बंद कर ले रहे हैं. एंड द मेन स्पीकर केम एंड उसने जोर की बोला ट्रुथ, जो कि टॉयलेट सुन के पागल हो गए और वो मर गए हैं, ब्लास्ट हो गए आई गेस. ओह डैम, दिस इज क्रेजी भाई, दिस इज क्रेजी. ओके यहां पे क्या हो रहा है? Skibidi dog. Here we see how the man in the suit is tired of being among the lies. He tried to do something about it. Okay. But unfortunately, you are surrounded by bad people. They will do everything to make you go astray. Okay. भाई अब कैमरामैन परेशान हो चुका है. ही इज टायर्ड. एंड द टॉयलेट वाले वो भाई थकने का नाम नहीं ले रहे, वो और आई जा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं हमारे कैमरामैन को. ओके ओके यहां पे क्या है? कैमरामैन आर लुकिंग फॉर द टॉयलेट बॉस. दे वांट टू नो वेयर द वन हु स्प्रेड्स द रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज. ओह डैम. ओके, बट दे फेल बिकॉज़ द टॉयलेटमैन इज अनएबल टू थिंक डिफरेंटली. ओ भाई, तो जो टॉयलेट बॉस है
वो ही है जो इनको और बिगाड़ रहा है सारे टॉयलेट्स को बाय फीडिंग देम रॉन्ग ट्रूथ व्हिच इज लाई. ऑब्वियसली रॉन्ग ट्रूथ इज लाई. एंड फिर उन्होंने एक टॉयलेट मैन को कब्जे में ले लिया है एंड फिर वो फोटो दिखा के बोल रहे हैं कि ये कहाँ है टॉयलेट बॉस. बट वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पागल हो चुका है, वो डिफरेंटली सोच भी नहीं सकता है, तो यप वो पागल हो गया एंड उसको फ्लश कर दिया. यप आ गया टॉयलेट बॉस. ओह डैम यहाँ पे क्या हो रहा है फाइट. Here we see that when everything gets out of control and you need to take everything into your own hands, he appears. He appears kaun? Oh damn. Are you talking about him? Are bhai maar rahe to. Oh no, I guess you have a speaker that. Oh nahi 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 hua nahi. तो बेसिकली जब सारी चीजें आउट ऑफ हैंड होने लग जाएगी और सारी चीजें जब टॉयलेट वालों के खिलाफ हो जाती है तब आता है टॉयलेट बॉस. इन्हें पता चल गया टॉयलेट बॉस कब अपीयर होता है. दैट्स वन पॉइंट गुड. व्हेन यू हैव एविडेंस एंड यू मैनेज टू फिल्म द बॉस हिमसेल्फ हु स्प्रेड्स लाइज यू विल बी ओके. तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव बोलवा, मतलब जो लाइव बोल रहा है सबको इकट्ठा करके देखो. अरे फोड़ दिया. ओह डैम भाई कुछ फर्क नहीं पड़ा इन्हें. ओह नो. You are gone, bhai. Ow. Everything turned into a real war. Yeah. Cameramen are too small. That is, there is not enough correct information to cope. Okay. So basically, cameramen log itte kamzor kyu pad rahe? Because abhi unke paas enough information nahi hai. To unhone isko us cheez se compare kar diya ki cameramen ke paas bahut kam army hai as compared to toilet. So army ko tum aisa information le sakte ho. कम आर्मी कम इन्फॉर्मेशन. व्हाट द हेल भाई, तो पोएटिक जस्टिस हो रहा है पूरा इधर. मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मेरे को इंग्लिश टीचर वाली वाइब आ रही है. सच बता रहा हूँ, तुम्हारा सर दर्द करवा दूंगा मैं कसम से. आप समझो बिट्टू, तुझे को तो समझ में नहीं आता है. बड़े आए ओके व्हाट. ये बॉस को फ्लश कर दे. नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते फ्लश. यप हमने ये देखा था, नहीं हो पाया. अभी तुम्हारे पास इनफ एविडेंस नहीं है, और इकट्ठे करो. अरे भाई जाने ऐसे. यस गुड. इसके मार कैमरा टाइटन. कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन टू कंबाइन एवरीथिंग इनटू वन सिंगल होल. समझे. सो पीपल यानी कि कैमरामैन कलेक्ट कर रहे सारी इंफॉर्मेशन एंड दे आर पुटिंग इट इन अ होल, यानी कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन को एक इकट्ठा कर रहे हैं. तो वो क्या बना रहे हैं, एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन का तुम कह सकते हो पहाड़, विच इज इक्विवेलेंट टू द स्पीकर टाइटन, आई मीन कैमरामैन टाइटन. Damn, bhai, this is crazy. Bhai, this is so crazy. Kya chumba series hai, bhai. This is my favorite part in whole series. Abhi dekhna to. Ye liya, pichu. Bas. Aur ye broom. Bhai, best part. Good. Okay. Bhai, do ye camera titan bahar aa chuka hai. Oh damn. Good. The good information copes well was Toleman. And okay. Even the truth about terror is not terrible, since the whole truth is ours. Yes sir! Yep, cameraman guys did it! Unke paas ab bahut sara truth ikattha hai, bahut sara information ikattha hai. Ab to bhai terror bhi terror nahi phaila sakta. Good! Let's go! Okay, yahan pe kya? Okay, fighting. Boss aa gaya. Shield leke, let's go! What? Arre! Oh no! फेंक दिया. ओह व्हाट, यहाँ पे क्या हुआ? Is this a twist? Here we see that all the same, the cameramen managed to take control into their own hands. And they are ready to move on. Okay, ये वापस से अभी भी नहीं थके, अभी भी फाइट करने को तैयार है कैमरामैन गाइस. Who is he? अरे रॉबर टॉयलेट. अब यहाँ पे आएगा ना स्पीकर टाइटन. Anyway, let's there go! Is someone who will scream above his head, but behind the truth there is strength. Yes sir, behind the truth there is strength. Aage strength. Let's go. Camera, nahi. Speaker guy. Speaker Titan for the rock. Here we see that the truth is getting deeper and deeper. Yep. Demolishing More everything evidence. In its path and at the same time writing it down to prevent the future. Oh, तो कैमरामैन गाइस का मेन मोटिव यही है कि बेसिकली इनको ट्रुथ से अवेयर कराना और बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे करना, बहुत सारे ट्रुथ इकट्ठा करना एंड इन टॉयलेट वालों के दिमाग में फीड करना ताकि ये ठीक हो जाए बेचारे. Bread of lies. Good people.
ओके लेकिन यस ऑब्वियसली ये मार ही रहे हैं बेचारों को. ओके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गाइस ये क्या प्लीज एक्सप्लेन कर दो. ये कोई प्लान बना रहे हैं. ओके एविडेंस इकट्ठा कर रहा था तो उसे देख लिया लेकिन मार दिया स्पीकर टाइटन ने. गुड 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 गुड. टाइम गोज बाय द ट्रुथ रिजॉइसेस इन इट्स विक्ट्री. ओके तो यहां पे जीत रहे हैं. स्टैंड स्टिल बिकॉज़ न्यू टेक्नोलॉजीज वायरसेस ओह नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हियर दैट कैन रीमेक द रिकॉर्ड. ओके सो बेसिकली इस पॉइंट तक स्पीकर्स के पास बहुत ज्यादा एविडेंस और ट्रुथ कलेक्ट हो गया था एंड दे वर विनिंग. बट या टाइम किसी का कभी नहीं रहता है. वापस से गड़बड़ होने लग गई. टॉयलेट वाले इस बार बेटर पैरासाइट के साथ आए, बेटर वायरस के साथ आए, बेटर एआई के साथ आए एंड तुम देख ही सकते हो भाई क्या फर्राटे से मार रहा है पट पट. ओके कहाँ गया ये. अरे भाई यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ेगा. हमने तो ये देखा था, हमने देखा था डूड. इसमें ना बहुत सारे हिडन मीनिंग हो सकते हैं. अभी तो हम समझ रहे हैं, मेरे को इसके हिडन मीनिंग्स भी जानने हैं. अरे भाई Here we are shown how easy it is in 2023 to remake information and use it against you. Okay, तो ये वाला एपिसोड ये डिपिक्ट करता है कि कुछ भी फीड करा जा सकता है रॉन्ग तुम्हारे दिमाग में थ्रू एडिटिंग थ्रू फोटोशॉप. आजकल तो भाई क्या ही पता नहीं चलता असली है नकली है. भाई डैम दिस इज रियलिटी. ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है. बट ओ यस ही इज माइंड कंट्रोल्ड. तो तुम मैनिपुलेट करके ट्रूथ को भी रॉन्ग बना सकते हो इससे ये पता चलता है. एंड कैमरामैन वर द ट्रूथ गाइस एंड ऑब्वियसली टॉयलेट वाले थोड़े मैनिपुलेट हो रखे हैं. उनके दिमाग में कीड़े घुस रखे हैं और उन्होंने वो मैनिपुलेशन कैमरामैन वालों में भी डाल दिया थ्रू वायरस. डैम अब क्या होगा. और कैमरामैन वाले कैमरामैन वालों को ही मारने लग गए. अब आर वी डेड ब्रो. व्हाट वाज दिस इट भाई. ऐसा मत करो भाई. ओके तो आई गेस अभी स्टोरी कंटिन्यू ही हो रही होगी. कैमरामैन वालों ने अपना पलड़ा भारी कर लिया था बट टॉयलेट गाइस केम विद अ बेटर टेक्नोलॉजी एंड यार लेट्स सी आगे क्या जाता है. बट आई होप तुम लोगों को आज ये वीडियो देख के मजा आया होगा एंड समझ में आया होगा ये सीरीज. सो या वेट फॉर द नेक्स्ट वन. टिल देन पीस आउट. लेट्स गो. या बीट पे गदर मचेगा खटेगा ये पिज्जा सब में बटेगा बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा आई स्वेयर चल जाने दे बेटा. अरे बस कर भाई.